किसी ने फोन नहीं दिया तो मैंने सोचा मैं अपने सस्ते से फोन में वीडियो बनाऊंगी। यहाँ कश्मीर जैसा, गोवा जैसा देखो, हल्का सा गोवा का फील आता है, हल्का सा पहाड़ों वाला फील आता है। नदी वदी भी है कोई? ये कौन सी नदी है? दामोदर। यहाँ पर लोगों की भीड़ थोड़ी कम है, हमारे यहाँ होता नदी के अगल बगल भी एक आध दुकानें पान की आपको मिल जाती। नहीं हाँ, लेकिन झारखंड में चैनल में रिक्वेस्ट करेंगे क्या चीज झारखंड के बारे में, यहाँ का नीति, यहाँ का कल्चर? नहीं, कल्चर तो यहाँ का बहुत अच्छा है, कल्चर यहाँ का बहुत अच्छा है। ये तो वर्मा होटल है, चलो बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये इसमें क्या जाता है? यहाँ की सड़कों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, सड़कें अच्छी नहीं है। बहुत ईमानदारी से कहें, सड़कें नहीं अच्छी हैं यहाँ की, मतलब उतनी खराब भी नहीं है लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं क्षेत्रों की ना। उत्तर भारत के तरीके, ग्रामीण क्षेत्र का सड़क जंगल ही जंगल है, ज्यादातर एरिया जंगल है। क्या जंगल झाड़ पहाड़? ये है झारखंड। और हम जब से आ रहे तब से हम सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल देख रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, ये बात आपने बड़ी बहुत सही कही कि सड़कों पे काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झारखंड इतना खूबसूरत होगा। मैं सोचती थी कि हाँ बाकी राज्यों जैसा होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग। खड्डे बहुत हैं, खड्डे हैं, रोडों पे काम करना बहुत जरूरी है। और बाकी तो मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा। लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इस मायने प्रकृति के मायने में अच्छा लगा प्रज्ञा जी। नेचर, राइट, बहुत ही जगह जगह पर धान। मैं इसी बात की यही मैं कह रही हूँ, प्रकृति के करीब अगर आपको पसंद है रहना तो सही बात है। वेरी ट्रू, वेलकम टू झारखंड। यहाँ जमीन क्या रेट होगी भाई साहब? इधर बहुत सस्ता, 10,000 रुपए कट्ठा मिल जाएगा। कट्ठा? कट्ठा क्या होता है भैया? 4 डिसमिल एक कट्ठा इधर का। अच्छा, हाँ, मतलब 1000 है वो, 4000। ये ग्रामीण क्षेत्र है ना, मतलब ये घर कितना कट्ठा हुआ? ये वाला, ये आपका जिसपे खपरेल पड़ा है, ये कितना कट्ठा है? पूरा ना? हाँ, पूरा 2 कट्ठा होगा। पूरा मतलब अप्रैल खपरेल सब मिला के? हाँ, पूरा 2 कट्ठा। 2 कट्ठा हुआ। ओके, कट्ठा मतलब बिसुआ, अपने वहाँ का जो बिसुआ चलता है, बीघा बिसुआ। अच्छा, बीघा नहीं, बीघा तो हो गया बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा, कट्ठा मतलब 4000 रुपए कट्ठा है यहाँ? स्क्वायर फीट तो नहीं? नहीं, 10,000 रुपए कट्ठा, 10,000 रुपए क्षेत्र है ना। 10,000 रुपए कट्ठा। और शहर में? शहर में महंगा मिलेगा, जैसे रांची सिटी में तो जैसा जगह पे लीजिएगा, मेन सिटी में लीजिए, मेन मार्केट में तो आपका 12 लाख जाएगा, 25 लाख जाएगा। अगर थोड़ा सा आउटर लीजिएगा तो 3.5-4, वो जनरल एसटी आपको 2.5-2 ऐसे मिलेगा। एसटी लैंड सस्ती है यहाँ? हाँ, एसटी लैंड उत्तराखंड की तरीके से है प्रज्ञा जी। उत्तराखंड में भी एसटी लैंड सस्ती है, जनरल लैंड महंगी है। क्योंकि एसटी लैंड का क्या होता है, खरीदने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट हम लेंगे ना, तो मेरे नाम पे रजिस्टर नोटेशन ये सब नहीं होगा। नहीं होगा वो? पहले कोई एसटी खरीदे, फिर उसके बाद वो स्क्वायर कोई और खरीद सकता है ना। अच्छा, आप जैसे आप जनरल हैं, आप अगर एसटी जमीन लेना चाह रहे हैं तो उसका एक सादा पट्टा बनता है जिसपे लिखा जाएगा कि हम आपको दे रहे हैं, उस एवज में हम इतना पैसा ले रहे हैं, फिर वो आप कर रहे हैं। वहाँ वो एक आपका पेपर बन गया, ताकि कल का डेट में कुछ बात होता है तो आपका वो प्रूफ रहेगा कि हमने ये पैसा देके। अच्छा भैया, एक बात
बताइए, यहाँ पर इतने सारे जंगल हैं, पहाड़ हैं, तो यहाँ तो क्राइम भी बहुत होता होगा? नहीं मैडम, अभी ये खुलेआम घूम रहा है ना। अच्छा, इधर क्राइम नहीं है। यहाँ के लोग शांति तरीके से ज्यादा रहते हैं। अच्छा। ज्यादा शिक्षा में डेवलपमेंट नहीं है, शिक्षित नहीं है। हाँ। लेकिन एकदम शांत तौर तरीके से रहते हैं। अच्छा। ईमानदारी से ना के बराबर होता है। ना के बराबर, एकदम ना के बराबर। वो पॉलिटिशियन के वजह से ही होता है, नहीं तो एकदम नहीं होता, बिल्कुल नहीं। नक्शे में देख के बता ना, झंडे सही चल रहे हैं ना हम लोग? यहाँ की ज्यादातर भूमि एमपी की तरह बंजर पड़ी है, खेती योग्य है। बंजर कहाँ है? बंजर मतलब इसमें कुछ बोया नहीं जा सकता, लाल मिट्टी है यहाँ। साखू, अच्छा यही साखू है। इसका फूल भी राजकीय पुष्प यही है। ये तो वो है जो अपने यहाँ जिसको कहते हैं पलास। बीड़ी बनती है, बीड़ी इसके लिए। हाँ, कोई बैठा नहीं दिख रहा। मैडम अपने चैनल पे झारखंड को लेके पूछ लीजिए। मैं जरूर करूंगी भैया, अपने झारखंड। ये गांव है कोई?